हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी, आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है आज 30 जनवरी और समय है सुबह के 5 बजे, जब समय होता है हमारा मॉर्निंग करंट अफेयर के शो का, मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज शो का। तो आज हम बात करते हैं क्विज, मतलब बेसिकली 5 बजे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं विच आर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर। ठीक है, चलिए क्या क्या क्वेश्चन है आज हमारे पास वो सारे हम देखते हैं। बट क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, और वो क्या है दोस्तों, देखो हम जो पूरी टीम है वाईफाई की वो आपके साथ है, आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में। हम दो माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। पहला जो माध्यम है हमारा, दैट इज यूट्यूब, जिसपे हम क्लास करते हैं सुबह मॉर्निंग 5 से रात के 10 PM। और दूसरा जो माध्यम है हमारा वो क्या है दोस्तों, दैट इज प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके पास हैं, और हर महीने ईच एंड एवरी एजुकेटर लगभग आपका 2 कोर्स जो है हम लेके आते हैं हर महीने, तो यहां पर भी हम आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। देखो तैयारी में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 120 दिन बचे हैं आपके पीटी के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, तो आपके पास समय कम है, तैयारी करनी है जोर शोर से यार, तो आइए हमारे साथ प्लस कोर्स भी ज्वाइन कीजिए, इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो ये उनके लिए जो दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, दोज हु वांट्स अ बेटर ऑप्शंस, अदरवाइज किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं, इफ यू आर सीरियस इनफ टू एंड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एंड वॉन्ट टू क्वालिफाई द यूपीएससी दिस टाइम, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www.unacademy.com पे जाके लॉग इन करना है, अदरवाइज आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पर आप प्लस पे जाओगे, प्लस पर आपको गोल चूज करना है यूपीएससी। आफ्टर चूजिंग योर गोल आपको एजुकेटर में वाईफाई स्टडी चूज करना है। जैसे आप वाईफाई स्टडी चूज करोगे उसके बाद में आप देखोगे कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, तो आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और उसके बाद 24 month, आपका आइडियल कोर्स जो होगा दैट इज 12 month, आप 12 month का परचेज कर सकते हो। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000, 40,000 रुपए का ये आपको कोर्स पड़ेगा फॉर 1 year, मतलब एक साल के लिए आप अनअकैडमी पे जितने भी कोर्स है वो सारे के सारे आप देख सकते हो, सारे के सारे कोर्स, वो चाहे वाईफाई की टीम के हो या किसी अदर एजुकेटर के, आप सारे कोर्सेज का फायदा उठा सकते हो, है ना। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000, बट अगर इसके ऊपर आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सुमित 10 का इस्तेमाल करते हो तो आपको 4,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सो याद रखना, अनअकैडमी प्लस पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यू कैन यूज दिस कोड सुमित 10, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो सवाल है हमारे पास ये है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तो इसका एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, क्या है। सो बेसिकली ये जो काम है ये किसने किया है, विजन, ये नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग जो है बेसिकली वो भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, आपको पता हो तो ये क्या है दोस्तों, थिंक टैंक है। और ये थिंक टैंक कब किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान, 15 अगस्त के दौरान जब अपनी स्पीच थी तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या बना दिया था, आपका प्लानिंग कमीशन जो था उसको चेंज करके किसमें बदल दिया था, नीति आयोग में। सो नीति आयोग ने ये नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे NDAP प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है चलिए देखते हैं, इसके बारे में कुछ सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, भाई एनडीएपी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। पहला, NDAP is a national multi-stakeholder platform dedicated to study the sustainability standard ecosystem in India. भारत में स्थिरता मानकों पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय बहुहितधारक प्लेटफॉर्म है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के लिए डेडिकेटेड हो जो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड इकोसिस्टम को, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो NDAP विल बी अ यूजर सेंट्रिक प्रोग्राम एंड विल एनेबल डेटा एक्सेस इन सिंपल एंड इंट्यूटिव पोर्टल। भाई ये बिल्कुल सही बात है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट के जो डेटा होते हैं, सरकार के जो डेटा होते हैं, वो बहुत सिंपल और लूसिड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो पाए, इसीलिए पोर्टल जो है नीति आयोग के द्वारा बनाई गई है। It will be developed by the Quality Council of India. अभी तो मैं बोल रहा हूँ नीति आयोग, तो Quality Council of India कहाँ से आ गया? So third statement is also wrong. So आपसे पूछा क्या है? Which of the above statement are correct? So correct statement आपसे पूछा है, तो correct जो है वो only क्या है आपका, second. So that is second is the only सही option आपका, तो इसलिए A जो होगा, A सही जवाब इसका होगा। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इस काउंसिल के बारे में, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो बेसिकली नीति आयोग ने अभी अभी रिलीज किया है क्या, इट्स विजन ऑन द नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म NADA पे, अभी हाल ही में नीति आयोग ने अपना विजन
जारी किया है। ये विजन क्या है, इसका पर्पस क्या है दोस्तों, डेमोक्रेटिक एक्सेस टू द पब्लिक गवर्नमेंट डेटा थ्रू द वर्ल्ड क्लास यूजर एक्सपीरियंस, एक विश्व स्तरीय उपभोगकर्ता अनुभव के माध्यम से सार्वजनिक सरकार के डेटा को पहुंच को डेमोक्रेटाइज करना, ठीक है, सभी लोगों तक पहुंचाना एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट के अंदर, यही इसका क्या है एक पर्पस है। मिशन क्या है इसका, स्टैंडर्डाइज डेटा अक्रॉस मल्टीपल गवर्नमेंट सोर्स, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एनालिटिक एंड मेक इट इजी एक्सेसिबल इन द फॉर्मेट कंड्यूसिव फॉर रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक कंजप्शन। मतलब कई सरकारी स्रोतों में से डेटा का माननीकरण करना, देखो बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट सोर्स हैं, है ना, गवर्नमेंट सोर्स है जहां से हमें क्या मिलता है डेटा, तो ये डेटा जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्रिएट करना, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, माननीकरण करना और एक इजीली एसेसिबल फॉर्मेट के ऊपर, ताकि इसमें रिसर्च में इसको इस्तेमाल किया जा सके, एकेडमिक इनोवेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके, गवर्नमेंट इसको पॉलिसी नीति बनाने में इसका उपयोग किया जा सके या आम जनता इसका उपयोग कर सके पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए ये जो प्लेटफॉर्म है डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल जो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, उनसे डेटा लिया जाएगा एक पाइपलाइन करके, इजी सिंपल सोर्स में बना के ये डेटा आपको एक यूजर आपका सेंट्रिक इंटरफेस के द्वारा आपको यहां पर इंटरनेट पे आपको अवेलेबल होगा, बहुत सिंपल सरल। अलग अलग जगह से डेटा हम कलेक्ट करेंगे, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेंगे और एक यूजर फ्रेंडली ये डेटा कलेक्ट किया हमने अलग अलग जगह से, और इनमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको निकाल के हम एक यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में देकर आपको यहां पर मुहैया कराएंगे, ये नीति आयोग का क्या है दोस्तों मिशन है, ठीक है। सो डेटा एक्सेस इज अ यूजर फ्रेंडली एंड इंगेजिंग टेलर्ड एंड नीड्स ऑफ द पॉलिसी मेकर। मतलब ऐसे तो सरकार के पास में बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, सरकार के पास में ऐसा तो बहुत ज्यादा डेटा होगा, लेकिन इसका जो हम पर्पस है मेनली इसका पर्पस क्या होगा दोस्तों, कि जो फालतू की चीज है वो हम हटा दे, टेलर्ड करके, टेलर का मतलब काट पीट के, मतलब काम काम की जो चीज होगी, जो काम की चीज है उसको, उस डेटा को यहां पर रखा जाए, ताकि जो पॉलिसी मेकर है, ब्यूरोक्रेट्स है, रिसर्चर है, इनोवेटर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट एंड द सिटीजन जो है, उनको वो डेटा एक यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड किया जा सके। द प्लेटफॉर्म एम्स टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू द पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डेटा, ये सेकेंड ऑप्शन था, तो ये सही था आपका, प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पब्लिकली उपलब्ध सरकारी डेटा तक पहुंच को लोकतांत्रिक करना है, है ना, देखो इस प्रकार से रहेगा। ये नीति आयोग ने एनएडीपी प्लेटफॉर्म बना दिया, इसके फीचर क्या होंगे दोस्तों, डेटा एक्सपोर्ट इन द मशीन रीडेबल फॉर्मेट, यानी कि 10 10 10 जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। कॉमन स्कीम अक्रॉस द सेक्टर, डेटाबेस ऑफ इनोवेशन विद पब्लिक डेटा, यूजर फ्रेंडली सर्च इंजन, सोशल मीडिया, अब इसके ये क्या होंगे दोस्तों, बेनिफिट होंगे बहुत सारे, और कौन कौन यूज कर सकता है, रिसर्चर, एकेडमिक, डेटा साइंटिस्ट, इनोवेटर, सरकार में पॉलिसी मेकर, जर्नलिस्ट, सिटीजन और द जनरल पब्लिक, है ना। एनकरेज डिस्कशन ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो सोशल मीडिया पे कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी इसको डिस्कस कर सकता है। एनेबल इजी एक्सेस टू द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र से आप इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो। शोकेस इनोवेटिव यूजर एंड टॉप रिसर्च आर्टिकल फॉर द एवरी सर्च रिजल्ट। एनेबल क्रॉस सेक्टोरल एनालिसिस, है ना, बहुत सारे दोस्तों इसके क्या होंगे, अगर देखो सरकार का, गवर्नमेंट का अगर हिडन डेटा जो है, अगर गवर्नमेंट डेटा अगर आपको एक इजी रीडेबल फॉर्मेट में, अगर आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म के अंदर मिलता है, इजी फॉर्मेट में मिलता है, यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में मिलता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, बहुत सारे पर्पज उसके हो सकते हैं। सो नीति आयोग का यही उद्देश्य था, किसके द्वारा, एनडीएपी प्रोग्राम के द्वारा, है ना, जिसके द्वारा वो क्या चाहती थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, एनडीपी प्रोग्राम क्या, हमारा नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसके द्वारा ये नीति आयोग का क्या था, पर्पज था, ठीक है। चलिए पहला सवाल पूरा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। प्रीएम्बल का मतलब है प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना, आपको पता है भारत में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल जो है ये ऐड किया गया था। अब जो प्रीएम्बल ऐड किया गया था ना, प्रस्तावना जो ऐड की गई थी, इस प्रस्तावना को, ये जो ये प्रस्तावना है किससे मोटिवेटेड थी, तो जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उससे ये आपका संबंधित है, उसी के द्वारा इसको ऐड किया गया है। इसके अंदर एक बार संशोधन भी किया गया है, अमेंडमेंट भी किया है, जिसके द्वारा कुछ वर्ड इसमें ऐड किए गए थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, तो ये सारी की जो चीजें हैं वो हैं। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी टू ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये पूरा हमारा क्या है दोस्तों, प्रीएम्बल है, ठीक है।
In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1942, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, Preamble है Constitution of India के जस्ट पहले ये प्रस्तावना जो है वो लिखी. अब ये जो प्रस्तावना है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की, इसको सोल कहते हैं हम, आत्मा कहते हैं. मतलब हमारे संविधान के अंदर क्या क्या होगा, हमने किन प्रिंसिपल को फॉलो किया है, उसका एक ब्रॉड रूप जो है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, आपका प्रीएम्बल्स के अंदर देखने को मिलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सो उसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ देम इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये देखो लाइन देखो, अभी जस्ट आपने ये लाइन पढ़ी है ना नीचे वाली, ठीक है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिस 26th डे ऑफ नवंबर, तो यही लाइन तो लिखी हुई है, देखो ध्यान से, ठीक है. तो इसमें सही लाइन कौन सी होगी आपका, द सेकंड वन इज द राइट लाइन, ठीक है. अभी हमने क्यों पूछा, देखो अभी अभी ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली रूरल लोकल बॉडीज जो है उनको डायरेक्ट किया है टू होल्ड अ कलेक्टिव रीडिंग ऑफ द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी स्टार्टिंग 20th of January. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को 26 जनवरी से शुरू होने वाले ध्वजारोहण सेरेमनी से पहले संविधान की प्रस्तावना को का सामूहिक पाठ करने का निर्देश दिया है कि सभी लोग इकट्ठे मिलकर इस प्रस्तावना का पाठ करेंगे, है ना. ये प्रीएम्बल है ना, इस प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या जो अभी हमने पढ़ा वही प्रीएम्बल है सारा. और इट इज मैंडेटरी फॉर द स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस द स्टेट महाराष्ट्र टू रीड द प्रीएम्बल ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली, कि सुबह सुबह जो आपकी सुबह प्रातःकाल की जो सभा होगी उससे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसको रीड करोगे. और प्रीएम्बल क्या कहता है ये लाइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है. प्रस्तावना में लिखा है हमारी संविधान सभा ने नवंबर 1949 के 26वें दिन इसके बाद अपनाए गए लागू करें और खुद को इस संविधान को दें. मतलब ये हिंदी है इसकी थोड़ी अजीब बनी है बट इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों. चलिए, द आइडिया बिहाइंड द प्रीएम्बल टू द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान असेंबली में जनवरी 22, 1947 को. और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था इसी के आधार पर, उद्देश्य संकल्प के आधार पर, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही ऐसे आइडियाज लिखे हुए थे, ठीक है, कि लिबर्टी इक्वलिटी, ठीक है, क्या क्या हम जस्टिस देंगे, तो इस टाइप की बातें यहां पर लिखी थी. तो वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसी से इंस्पायर्ड है क्या आपका प्रीएम्बल, ये बात याद रखना. वैसे भी आपने पॉलिटी के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी. अब आके आते हैं दोस्तों, अभी अभी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है यूएन में एक सेशन हो रखा है. आप जानते हो सारे के सारे जो रोहिंग्याज माइनॉरिटी ग्रुप जो है, ठीक है, रोहिंग्याज कहाँ क्या है, रोहिंग्याज दीज आर द माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी एथनिक माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है ये. कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका म्यांमार के अंदर. अब इनके ऊपर ना एथनिक परसिक्यूशन हो रहा है, म्यांमार की जो आर्मी है इनको मार मार के वहां से भगा रही है और ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ पर आपका, बांग्लादेश के अंदर और अलग अलग जगह पे. अब ये एक ग्रोस ह्यूमन राइट वायलेशन है. तो जो गाम्बिया है, ठीक है, गाम्बिया ने क्या किया, यूएन के अंदर इसकी शिकायत की, यूएन के अंदर में इसकी क्या कही, कंप्लेंट की. तो यूएन में अभी इसकी सुनवाई चल रही है. तो अभी अभी एक जो है यूएन में कुछ अभी फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आई है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नॉट इन यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया कौन उसको, गाम्बिया. किसको लेके गया भाई, म्यांमार को, कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी बोला है, अभी ऑर्डर फाइनल तो पास नहीं हुआ है, बट इन्होंने बोला है कि जो रोहिंग्याज है ये एक एथनिक माइनॉरिटी है और एथनिक कम्युनिटी है जिसको आपका म्यांमार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है. अब बात करते हैं यहां पर आपका जेनोसाइड कन्वेंशन की, क्राइम ऑफ जेनोसाइड मतलब नरसंहार. और म्यांमार के अंदर यही तो हो रहा है, म्यांमार की जो आर्मी है वो रोहिंग्याज पीपल को एकदम मतलब मार रहे हैं यार. कितने ऐसी जगह हैं जहां पर अगर साइट है उनको एक्सकवेट किया गया है, तो मास किलिंग होके ये रोहिंग्याज को बहुत ज्यादा संख्या में मार के एकदम दफन कर दिया गया है, है ना. तो उसी से संबंधित है दोस्तों. तो 70 साल हो चुके हैं जेनोसाइड कन्वेंशन के जो यूएन के अंदर हमने अडॉप्ट की हुई है. विच यूएन मेंबर स्टेट हैव नॉट येट रेटिफाइड टू असीड्स टू द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ द जेनोसाइड द फॉलोइंग 45. देखो अभी तक 45 ये देश हैं जिन्होंने अभी तक इस कन्वेंशन को अडॉप्ट नहीं किया है. यूनिवर्सल रेटिफिकेशन 2018 अगर मैं बात करूं तो इसी से कुछ हमारे पास यहां पर सवाल है, आप देख सकते हो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेनोसाइड कन्वेंशन
भाई जिनोसाइड कन्वेंशन के बारे में, नरसंहार सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इंडिया एंड इंडोनेशिया रेटिफाइड द कन्वेंशन, पहली बात है भारत और इंडोनेशिया ने सम्मेलन की पुष्टि की है, तो यार इंडोनेशिया नहीं है, अभी देखा था हमने। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जिनोसाइड इज अ क्राइम दैट कैन टेक प्लेस बोथ इन टाइम ऑफ वॉर एज वेल एज इन टाइम ऑफ द पीस। भाई नरसंहार जो है ये युद्ध के समय भी हो सकता है और शांति के समय भी हो सकता है, जैसा कहां पर हो रहा है म्यांमार के अंदर, तो ये बात जो है एकदम बिल्कुल सही है, जेनोसाइड दोनों टाइम पे हो सकता है। द डेफिनेशन ऑफ द जेनोसाइड अंडर द कन्वेंशन डज नॉट इंक्लूड द कल्चरल जेनोसाइड। ये कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन है ना इसके अंदर कल्चरल जेनोसाइड जो है वो इंक्लूड नहीं होता, इसके परिभाषा के अंदर सांस्कृतिक नरसंहार जो है वो शामिल नहीं होता, ठीक है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इस स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं, सो आई थिंक यार मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बट इसमें ओनली सेकंड बोला है, तो एक बार मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द जेनोसाइड कन्वेंशन जेनोसाइड इज अ क्राइम दैट टेक प्लेस इन बोथ, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी क्या है सही है, देख सकते हो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अपनी सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। द एवरीथिंग बॉयज डाउन ऑन द थर्ड, थर्ड जो है ये देखते हैं सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 1948 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ द जिनोसाइड, है ना, कि यूएन के अंदर में नरसंहार को प्रिवेंट करने के लिए और वो उसको एक क्राइम डिक्लेयर किया गया है। तो आर्टिकल 2 के अंदर ये कुछ बातें बताई गई है, क्या है। इन द प्रेजेंट कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के अनुसार जेनोसाइड मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जेनोसाइड नरसंहार का मतलब क्या होता है, तो वो बताया गया है नरसंहार का मतलब इनमें से कोई भी एक बात हो सकती है, ठीक है। Committed with that intent to destroy, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, destroy करना, किसको, in the whole or the part, या तो पूरा कर दो या कम कर दो, a national, ethical, racial or religious group। कह रहा है कि नरसंहार का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर आप ऐसा काम कर दो जिसका उद्देश्य क्या हो दोस्तों, किसी भी धार्मिक ग्रुप को, रेशियल ग्रुप को, या किसी भी रिलीजियस ग्रुप या एथनिकल ग्रुप को पूरी तरीके से या आधे रूप से खत्म करना। इसमें क्या क्या बात आती है दोस्तों, किलिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, भाई उस ग्रुप के आदमियों को मारना, कॉजिंग सीरियस और बॉडीली और मेंटल हार्म टू द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशंस ऑफ द लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन द होल और इन द लाइफ, मतलब कोई ऐसा नुकसान कर दो जिससे वो जिंदगी भर ना उभर पाए, इम्पोजिंग मीजर इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ विद इन दैट ग्रुप, आप उस ग्रुप के अंदर उस कल्चरल रिलीजियस ग्रुप पे ऐसे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि वो बच्चों को जन्म ही नहीं दे सकते, फोर्सिएबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रुप टू द अनदर ग्रुप, मतलब इस ग्रुप से आप जबरदस्ती उनको दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करो, तो ये होता है जेनोसाइड, इसका मतलब होता है नरसंहार, समझ में आ रही बात। और इसको आर्टिकल 2 जो है डिफाइन किया गया किसके अंदर, 1948 कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ठीक है। अब ये कह रहा है द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम जेनोसाइड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट कॉडिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। भाई यही वो कानून है जिसके द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरसंहार को परिभाषित किया गया है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड पॉलिटिकल ग्रुप और सो कॉल्ड कल्चरल जेनोसाइड, इसमें राजनीतिक समूह या तथा कथित सांस्कृतिक नरसंहार शामिल नहीं है। अब शामिल नहीं है तो देखते हैं यहां पर भी क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ द जेनोसाइड अंडर द कन्वेंशन डज नॉट इंक्लूड द कल्चरल जेनोसाइड, इसके अंदर जो आपका है पारिभाषिक में सांस्कृतिक नरसंहार शामिल नहीं है, और यहां पर भी यही बात लिखी है हमने, कल्चरल जेनोसाइड इज नॉट इंक्लूडेड। सो इसीलिए मेरे हिसाब से क्या है दोस्तों, ओनली सेकेंड जो है ये भी आपका क्या है करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। सो इसमें आंसर 2 नहीं होगा, इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी, ये करेक्ट कर लेना, दिस इज नॉट द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये वन लाइनर है। और इंडिया और म्यांमार जो है वो सेटिस्फाई किया इस कन्वेंशन को, 45 ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी भी इस कन्वेंशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी दोस्तों हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये अनवील की है, इसको बस देश के सामने रखा है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, 2024 और 25 तक, मतलब लगभग 5 साल हमारे पास, भारत देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। ये किसका
5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये किसका मिशन है, ये किसका एम है, ये विजन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो उसके लिए ना हमें जो आपका जो ढांचा है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दोस्तों बहुत आपका मजबूत करना पड़ेगा। उसी के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया। इसी के संबंध में कुछ बातें हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं। तो द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल बी इंप्लीमेंटेड इन द 5 ईयर एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग पुश इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बात तो सही है। ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2020-25 सेक्टर सच एज एनर्जी, रेलवे वुड अमाउंट टू अराउंड 50% ऑफ द प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ना, ये गलत अनुमान है आपका। और बोथ सेंटर एंड द स्टेट वुड हैव इक्वल शेयर, ये अगेन गलत है। सेंटर स्टेट नहीं है इसमें, प्राइवेट प्लेयर भी है। तो आपसे पूछा गया क्या करेक्ट, सो करेक्ट मेरे को तो लग रहा है ओनली वन, सो बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब है। देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन है हमारा 2025 तक क्या क्या चीज हम करेंगे। एनर्जी के सेक्टर में हम 24/7 पावर अवेलेबिलिटी कराएंगे, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी आपका होगी। लॉजिस्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, एयर कनेक्टिविटी में, तो हर चीज का यहां पर है, तो एक बार आप इसको रीड कर लोगे, है ना। एक्सप्लेनेशन में देखो यार, रिसेंटली अभी अभी निर्मला सीतारमन जो है अनवेल्ड 102 लाख करोड़, ये जो प्रोजेक्ट है ना पूरा, ये 102 लाख करोड़ का है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इन अकॉर्डेंस विद द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मिशन टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25। मैंने बताया ना, नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार ये चाहते हैं कि 2024-25 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की हो जाए। और इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आपको जो आपका ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये 102 लाख करोड़ का जो है प्रोजेक्ट, ये अनवेल किया गया है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, इकोनॉमी को क्या होंगे, सरकार को क्या बेनिफिट होंगे, डेवलपर को क्या बेनिफिट होंगे, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या बेनिफिट होंगे। तो ये चारों के बेनिफिट्स जो है मैंने यहाँ पे रख दिए, एक बार आप पढ़ लेना। जैसे इकोनॉमी को क्या होगा, वेल प्लान्ड एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल एनेबल मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज्यादा होंगे जिससे बिजनेस ग्रो करेगा, जॉब क्रिएट होगी, और इससे क्या होगा, ईज ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव होगी, एंड इट विल प्रोवाइड इक्विटेबल एसेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो भी ढांचा हम बुनियादी ढांचा बनाएंगे उसका तो सब इस्तेमाल कर सकते हैं ना, और उससे ग्रोथ फिर ज्यादा होगी, ये एक साइक्लिक इफेक्ट जनरेट करेगा इकोनॉमी पर। सरकार को क्या फायदा होगा, जो एकदम अच्छे से जो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे एडिशनल फिस्कल स्पेस क्रिएट होगा सरकार के पास टू इंप्रूव द रिवेन्यू बेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फोकस्ड इन द प्रोडक्टिव एरिया। तो ये सारे के सारे में डेवलपर को यार पैसा मिलेगा, उसको रोजगार मिलेगा, है ना। तो ये सारी, अब बैंकों को क्या होगा, भाई अब देखो ये जो इतना भारी प्रोजेक्ट 102 लाख करोड़ का, ये ऐसे तो होगा नहीं, है ना, इसके लिए बैंक लोन भी देगा, है ना, तो बैंकों को भी फायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा उनको, सबको फायदा होगा। अब इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, देखो यार, भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों 39% की शेयर होल्डर है, बाकी बचा कितना आपके पास 22%। इस 22% में कौन है आपका दोस्तों, यहां पर है प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, निजी क्षेत्र। 39% केंद्र सरकार, 39% राज्य सरकार, और बची जो ये कौन सा है, प्राइवेट सेक्टर, ये इसका कंपोजिशन रहेगा, है ना। अब किस किस क्षेत्र में कितना प्रोजेक्ट, कितना पैसा लगा है, सबसे आप ज्यादा देखोगे तो रूरल एरिया में, ये अलग अलग सेक्टर का अलग अलग पैसा है, आप देख सकते हो इसमें एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में लगभग 60,553 करोड़, एयरपोर्ट के लिए 1,43,358, है ना, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 3,20,000, ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सबके लिए अलग अलग यहां पर कोटेशन जो है वो दी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट सो एज टू एंश्योर देयर टाइमली एंड विद इन कॉस्ट इंप्लीमेंटेशन। मतलब हर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उससे संबंधित मंत्रालय को दी गई है ताकि वो समय पर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। ड्यूरिंग दिस फिस्कल 2020-25 सेक्टर सच एज एनर्जी को देखो 24% मिला है, रोड सेक्टर को 19%, अर्बन एरिया को 16%, रेलवे को 13%, इट विल अराउंड एट 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, है ना। सड़कों को 19%, इसको 24%, शहरी इलाके को इतना, रेलवे को इतना, तो कुल मिला के ये जो सेक्टर है, ये 4-5 सेक्टर जो है, इनको कुल पैसे का 70% भाग इन्हीं को मिला है।
अब बात करते हैं दोस्तों सागरमाथा संवाद के बारे में, ठीक है। अब सागरमाथा संवाद जो है ये कहां पर हो रहा है, नेपाल के अंदर, ठीक है। आपको पता है ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट है ना, जिसके अंदर अलग अलग जगह के लोग आएंगे, एक डिप्लोमेटिक बैठक होगी कहां पर आपका, नेपाल के अंदर। सागरमाथा किसका नाम है, देखो माउंट एवरेस्ट जानते हो आप, माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये माउंट एवरेस्ट जो है ना इसका नाम है। इसको दो नाम दिए जाते हैं, एक तो नेपाल में बड़ा प्यारा नाम दिया है इसको, नेपाल में क्या नाम दिया है इसको, सागरमाथा, ठीक है। और दूसरा नाम है दोस्तों तिब्बत, तिब्बत मतलब चाइना, बिगाड़ दे अच्छे अच्छों का नाम, इसका नाम बिगाड़ के इन्होंने रख दिया आपका चोमलुंगमा, क्या नाम रख दिया इसका, चोमलुंगमा। सो अब ये फैक्ट भी है, माउंट एवरेस्ट का नाम भी है, तो याद रखोगे उसी के नाम पे नाम रखा है, सागरमाथा संवाद। चलिए तो रिसेंटली द सागरमाथा संवाद हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द कंट्री, तो आप जान सकते हो द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। अब ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर इनविटेशन दिया गया था, इंडिया को भी दिया गया था और पाकिस्तान को भी दिया गया था। अब भारत पाकिस्तान नेपाल ये कुछ कंट्री हैं जो आपके सार्क नेशन के पार्ट है, ठीक है। अब सार्क की जो बैठक थी पिछली वो 2016 में होनी थी, और ये बैठक कहाँ होनी थी, पाकिस्तान में। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुटाव चल रहा था, इसीलिए बैठक जो है ये कैंसिल होगी, हुई नहीं। तो अब जो है नेपाल ने दोनों देशों को इनविटेशन दिया है, इंडिया को, नेपाल को, पाकिस्तान को, और ये चाहता है कि इनफॉर्मल सार्क मीटिंग हो जाए। भाई सागरमाथा संवाद तो होगा ही होगा, और इसी के दौरान एक इनफॉर्मल आपकी मीटिंग हो जाए, सार्क की मीटिंग हो जाए, यही चाहता है कौन आपका, नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारा छोटा भाई है, वो ये चाहता है ना। तो ये है आपका सागरमाथा संवाद के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है उसका एक नाम है, उसी के नाम पर जो है ये की जा रही है। सागरमाथा संवाद इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इन द पोस्ट परमानेंट बाइनियल ग्लोबल डायलॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द 2020, ठीक है। सो इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग फोरम कमिटेड टू डिलिबरेट ऑन द मोस्ट प्रोमिनेंट इश्यू ऑफ द ग्लोबल रीजनल एंड द नेशनल सिग्निफिकेंस। यह एक बहु हितधारक संवाद मंच है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के सबसे प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला एडिशन जो हुआ था इसका वो 2-4 अप्रैल, पहला एडिशन जो होगा ये फर्स्ट एडिशन है, 2-4 अप्रैल 2020 को कहां पर होगा दोस्तों, ये काठमांडू नेपाल के अंदर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये मेरा कोड है अनअकैडमी में, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना है दोस्तों तो आपको कोड यूज करना है क्या, सुमित10। अनअकैडमी प्लस पे कोई भी आपको कोर्स परचेज करना हो उसके अंदर आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट होगा। अगर रेफरल कोड में आप क्या यूज करते हो, कैपिटल में सुमित10, तो यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपका जो प्यार है वो बनाए रखना दोस्तों। और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है वाईफाई स्टडी का, ये जो चैनल है आपके लिए, और यहां से आप सारी चीजों के लिए आप तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की जितने भी सीएसई एग्जाम के लिए तैयारी है, आपको सारी जरूरी चीजें यहां से मिल जाएगी। अभी 8 बजे हमारा शो होगा, 8 AM पर हम शो करेंगे किसका दोस्तों, करंट अफेयर का, ठीक है, तो वो आप देखना ना भूलें। और 11 AM पर मेरी क्लास होती है किसकी, आपका दोस्तों ज्योग्राफी की। सो ये क्लास है, 2 शो है मेरे आपके लिए, मैं लेके आया, इनको देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर के शो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।